My mother is representing the world, sir. Love you, mom. Thank you. To all the mothers who love their children more than anything in the world. My school name is Renfrew International School. I love you, mom. Thank you. Mother is the only person in this world who never leaves us alone. Mother is very loyal to her children. Love you, mom. Thank you. My mom is my world. I love you, mom. Thank you. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली टाइड और मैं हूं शुभ्रा। गुलमियाबाग बंका घाट स्थित रेनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में मदर्स डे संबंधी समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों के साथ मैनेजमेंट और स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने अपनी माताओं के लिए ग्रीटिंग कार्ड, फोटो फ्रेम, गुलदस्ते आदि तैयार किए। बच्चों ने अपनी माँ के प्रति स्नेह की भावना को उजागर किया। विशेष सभा के दौरान बच्चों और अध्यापकों ने कविताएं, भाषण व गीत पेश किए। डायरेक्टर विवेक शर्मा और प्रिंसिपल नेहा सिंह ने मदर्स डे की शुभकामनाएं दी। विवेक शर्मा ने बताया कि माँ ममता का सागर होने के साथ साथ हमारी प्रथम गुरु भी होती हैं। माँ की ममता का व्याख्यान शब्दों से नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम ये रहा कि हमने मदर्स को इनवाइट किया था और हम मदर्स का बहुत ही शुक्रिया गुजार करते हैं कि ये अपने बच्चों के लिए रैनफोर्ड पर विश्वास किए, रैनफोर्ड स्कूल के लिए बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए रैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल को चुना। इन्हीं लिए मदर्स डे के उपलक्ष्य में सभी माताओं को बुलाया गया और उनके साथ बच्चों ने मदर्स को मदर्स कार्ड गिफ्ट किया और मदर्स के बारे में दो लाइन कहा। आप क्या संदेश देंगे माताओं को बच्चों को शिक्षित करने के लिए? देखिए, माताओं का बच्चों की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि माताएं गृहिणी होती हैं, घर को संभालती हैं और ज्यादातर समय बच्चों के साथ बिताती हैं। तो माता अगर अच्छी रहेंगी, माता अगर बच्चों को केयर करेगी, अच्छे से पढ़ाएंगी तो बच्चे का भविष्य बहुत ही जल्दी सुनहरा होगा। शिक्षा कितना जरूरी है बच्चों के लिए ये बताइए। शिक्षा एक समझिए कि भविष्य जो है, शिक्षा जो है बच्चों का एक बेस है। अगर किसी का कोई घर अगर खड़ा करना है तो पिलर जैसे स्ट्रांग होता है, वैसे ही अगर बच्चे के भविष्य को संवारना है तो उसमें शिक्षा का योगदान है और शिक्षा के योगदान में माताओं का सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि माता और पिता सबसे पहली गुरु कहलाती है। ऐसा मानना होता है कि पढ़ाई करके नौकरी करना होगा, लेकिन क्या ये जरूरी है कि फिर बच्चे नौकरी ही करें? नहीं, आज के समय में ये विचारधारा बदल चुकी है। आज जो है पढ़ाई के साथ बच्चे नौकरी ही नहीं बल्कि अलग अलग फील्ड में ले जा रहे हैं। जैसे हम लोग भी अपने स्कूल में स्किल डेवलपमेंट का काम करा रहे हैं, बच्चों को नए नए टेक्निक सिखा रहे हैं जिससे बच्चे कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, मोबाइल के क्षेत्र में आगे सके, रोबोटिक्स के क्षेत्र में आगे चढ़ सके। इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। पर प्रोग्राम आयोजन किया गया है, आप क्या संदेश मदर्स को देंगे बच्चों की शिक्षा को लेकर या अपने घर में भेजेंगे वो? हाँ बताइए, आज कार्यक्रम का आयोजन किया है आप लोगों ने स्कूल में मदर्स डे पर, क्या संदेश देंगी मदर्स को? मदर्स सबसे पहले अपने एक बच्चे के लिए, सबसे जो टीचर्स रहती है एक माँ ही होती है, अपने बच्चे को हर फील्ड में एक्टिव बनाना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई के फील्ड में, हर फील्ड में एक्टिव स्टूडेंट को बनाना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर में, हर एक्टिविटी में। क्या लगता है सिर्फ एक दिन माताओं को याद करने से, उनको सम्मान देने से ये हो जाएगा? नहीं, माँ के लिए कोई दिन नहीं होता है, हर दिन माँ का ही होता है। जी सर, आज आप यहाँ आए हैं अपने बच्चे के लिए, माँ नहीं है उनकी, माता पिता दोनों का आपकी भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहेंगे? माँ से पार कर तो कोई क्या कहा नहीं सकता। माँ है तो माँ भी सब जैसे हमारे हिसाब से है कि बाहर कोई माँ जितना साहस का दे सकता है बच्चा को तो पिता नहीं दे सकता। माँ से पार तो कोई और। कितना मुश्किल आपको लगता है पिता के साथ साथ माँ की तरह भी बच्चे को पालना? इसमें तो बहुत बड़ा व्यथी है, हालांकि तब पर भी माँ बाप का जहाँ हर जहाँ बाप का देना कर्तव्य, पहला कर्तव्य ही है। अच्छा लगा यहाँ कर, अच्छा स्कूल है, पढ़ाई अच्छे से होती है। दूसरी मदर्स को क्या संदेश देंगी बच्चों को शिक्षित करने के लिए? ये देंगे कि आप अपने बच्चों को सबको देखिए, बच्चे छोटे छोटे उनके भविष्य को संवारिए, माँ के हाथ में होता है बच्चे के भविष्य को संभालना।
रेनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ बच्चों का बहुत अच्छे से केयर किया जाता है और बच्चे बहुत जल्दी तेज हो जाते हैं यहाँ। आज मदर्स डे पर प्रोग्राम हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस तरह का प्रोग्राम जो करवाते हैं स्कूल, कितना अच्छा है, क्या होता है, क्या संदेश देंगे दूसरी माताओं को कि बच्चों को कैसे शिक्षित करें, स्कूल भेजना चाहिए? बच्चों को स्कूल टाइम से भेजती है माँ और होमवर्क भी करवाती है बच्चों को अच्छे से। मैं यहाँ की अच्छा लगा और मेरे बच्चे यहाँ से शिक्षित कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, यहाँ की मैम बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मदर्स डे को लेके क्या कहेंगे सर आज? मदर्स की क्या भूमिका होती है बच्चों को पढ़ाने में? पढ़ाने को मतलब बच्चे को सही से स्कूल भेजना, घर पे ध्यान देना और स्कूल भेजना, और स्कूल में क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते उसे देखना, सही से उसे ध्यान देना। दूसरी माँ को यही संदेश देंगे कि अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए, अगर माँ शिक्षित होंगी तो उनका पूरे परिवार शिक्षित होगा, मेरे बच्चा आगे बढ़े और अच्छे से आगे बढ़े। दूसरी माँ को यही कहेंगे कि अपने बच्चे को केयर कीजिए और स्कूल टाइम से भेजिए। ये कहना है कि माता लोग को ये भी जानकारी होना चाहिए कि बच्चे लोग को किस स्कूल में भेजना, इतना माता घर में अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे तो समझ जाते हैं अनपढ़ माता नहीं, लेकिन आज भी है कि बच्चे लोग को भेज के अनपढ़ माँ चाहे हाउस वाइफ हो चाहे टीचर माँ, माँ माँ दुनिया में सबसे बेस्ट माँ ही होती है, बच्चे के लिए पहला गुरु माँ ही होती है। आज प्रोग्राम में आई है, आप क्या कहेंगी आज प्रोग्राम हुआ मदर्स डे को लेकर? माँ बाप तो जन्म करम दे दिया हमको, बच्चा लेके पढ़ाई बढ़िया से। मैं यही कहूँगी कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, रेनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल इज द वेरी गुड, आई रीडिंग क्लास बच्चे की रीडिंग अच्छी होती है और मेरे चिल्ड्रन बहुत अच्छे खुश हैं, वेरी हैप्पी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इस पर हम लोग का बुलाया गया है, टीचर और शिक्षक शिक्षिका सब बुलाए हैं, हम लोग आए हैं, स्कूल बहुत अच्छी है, इसीलिए हम लोग बच्चों का यहाँ एडमिशन कराते हैं, ऐसे कराते रहेंगे। माँ को बहुत अच्छा होता है, बच्चों को भी होना चाहिए कि माँ पर ध्यान देवे और माँ को भी बच्चा को अच्छा से खिला पिला को स्कूल भेजना चाहिए, और शिक्षक को और टीचर को भी चाहिए कि सब पर ध्यान दें।